नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। यमन में विद्रोहियों और सरकार समर्थक बलों के बीच हवाई हमले जारी। अब तक 70 लोगों की मौत, कई जख्मी। पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह से जुड़े 52 लड़ाके मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मीडिया में जंग तेज। ट्रंप ने पत्रकारों को बताया, सबसे ज्यादा बेईमान गलत रिपोर्टिंग करने के लिए मीडिया को दी परिणाम भुगतने की चेतावनी। दक्षिणी अमेरिका के जॉर्जिया में तूफान का कहर, 11 लोगों की मौत, 23 से ज्यादा घायल। राहत कार्य में जुटा प्रशासन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फरवरी में होने वाली बैठक में किया आमंत्रित। वॉशिंगटन में होगी बैठक। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद ट्रंप ने संवाददाताओं को दी जानकारी। चीन की सत्ता संभाल रहे राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ताकतवर हुए सैन्य और नागरिक सेवाओं के आयोग के बने मुखिया। 2016 में जिनपिंग को मिला था कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग की बराबरी वाले सर्वोच्च नेता का दर्जा। और चिली के जंगलों में लगी आग हुई बेकाबू। सरकार ने आग पर काबू पाने के लिए अन्य देशों से की मदद की अपील। आग को बुझाने में सेना के 1200 जवान और 500 दमकल कर्मी शामिल। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।